हेलो गाइस वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल गाइस आज जो मैं बात करूंगा टेस्टो के बारे में बात करूंगा टेस्टो बहुत ही इसेंशल हार्मोन होता है बॉडी के अंदर बहुत ही जरूरी होता है आपके ताकत बना बनाने के लिए हम्स को बढ़ाने के लिए और आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारे इसके काम होते हैं मैं आगे वीडियो में बताऊँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में यानी आदमी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का इतना बड़ा रोल है कि हर एक काम जो करता है टेस्टोस्ट्रोन की वजह से होता है टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन भी आता है टेस्टोविरोन डिपोर्ट के नाम से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में कम हो जाता है तब इस इंजेक्शन के बारे में लास्ट में बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में यानी टेस्टोस्टेरोन होता क्या है हमारी बॉडी में क्या रोल है इसका क्यों जरूरी है ये हमारी बॉडी के लिए तो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है तो ये टेस्टोस्टोन क्या करता है हमारी बॉडी में मसल्स को इंक्रीज़ करता है स्टेमिना को बना के रखता है बोन को डेवलप करता है यानी हड्डियों को मज़बूत करता है हेयर ग्रोथ जो होती है उनको भी करता है यानी आपके बालों की जो ग्रोथ होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है बाकी डिजायर भी इंक्रीज़ करता है ये बाकी एग्रेशन वगैरह बढ़ाता है मूड को अच्छा करके कर रखता है एनर्जी को भी बढ़ाता है इसके इतने सारे काम अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम होगा तो आप जो बिल्कुल लिथार्जिक रहे कमजोर से रहेंगे आप ज़्यादा वजन वगैरह भी नहीं उठा उठा पाएंगे और ज्यादा काम भी नहीं कर पाएंगे अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो व्यक्ति जो एक्टिव नहीं रहता है सुस्त रहता है बहुत ज़्यादा उसको नींद वगैरह आती रहेगी फैट वगैरह जमा होने लगेगा वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा इतने सारे काम करता है टेस्टोस्टोरोन क्योंकि जो मेन के अंदर जो आदमियों के अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो टेस्टोस्टेरोन नहीं करता टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में मेंटेन नहीं है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा तो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बढ़ाना बहुत जरूरी होता है अब टेस्टोस्ट्रोन को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है कि हमारी बॉडी में इसका लेवल कितना है एक टेस्ट आता है टी टी नाम से एक टेस्ट होता है जो कि लैब में किया जाता है ब्लड सैंपल निकाल कर उससे टेस्ट किया जाता है टी टी फुल फॉर्म का फुलफॉर्म मोटा टेस्टोस्ट्रोन टोटल एंड बायो अवेलेबल इन सीरम यानी सीरम के अंदर कितना टेस्टोस्ट्रोन प्रेजेंट है वो टेस्ट से पता चलता है अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है। अगर अब इस ये रिपोर्ट कराने के बाद में टी टी बी एस रिपोर्ट कराने के बाद में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम आता है तो उसको पूरा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये इंजेक्शन जो तो टेस्टोविरोन डिपोर्ट नाम से मार्केट में मिलता है इसको तो कंपनी जॉजडेस कंपनी मैनुफैक्चर करती है और इसकी एम आर पी चार सौ छप्पन रुपये होती है टेस्टोविरोन डिपोर्ट के अंदर जो होता है टेस्टोस्टेरोन इनन्थेट दो सौ में होता है इसको आई लगाया जाता, लगा जाता है यानी मसल्स में लगाया जाता है अगर ग्लूटियल मसल्स में लगाया जाता है यानी कोले में लगाया जाता है तो ये इंजेक्शन जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, को बढ़ा देगा बाकी आपकी बॉडी में मसल वीकनेस हो गई मसल की ग्रोथ करना हुआ या फिर बोन का डेवलपमेंट हुआ यानी बोन का मजबूत करना है या फिर आपका मूड एनर्जी हेयर ग्रोथ वगैरह की जो प्रॉब्लम है सारी ठीक होने लगेंगी आप लिथार्जी होंगे कमज़ोर होंगे कमज़ोरी भी दूर होने लगी आप एक्टिव रहने लगेंगे और आप काम भी बहुत ज़्यादा कर पाएंगे यानी काम भी अपना अच्छे से कर पाएंगे काम करने में भी मन लगेगा टेस्टोविरोन इंजेक्शन जो होता है ये हाइपोग्रोनिजिम पे जाकर काम करता है हाइपोग्रोनोजिम का मतलब होता है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का रिलीज़ जो वो कम हो जाता है यानी उसका सिंथेसिस उसका बनना बॉडी में कम हो जाता है तो उसको रिलीज़ करेगा और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करेगा अगर डोज की बात करें तो कितनी डोज में लगाना होता है तो इस वीकली एक इंजेक्शन लगाया जाता है यानी एक हफ्ते में दो सौ पचास एम जी टेस्टोस्टोरोन की डोज आप दे सकते हैं एक ही इंजेक्शन लगाएं दो इंजेक्शन लगाएं बाकी रिपोर्ट्स में आप देख लें आप ले टेस्टोस्ट्रोन का लेवल कितना कम है अगर ज़्यादा कम है तो उसको ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ सकती है और टेस्टोस्ट्रोन का लेवल कम कम है तो एक दो इंजेक्शन में भी कम हो जाता है ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे से बूस्ट होगा इंक्रीज़ हो जाएगा और आप बॉडी जो एक्टिव हो जाएगी तो एक आज मैंने बताया आपको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में